आप सब बहुत अच्छे होंगे और स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। तो आज है सैटरडे मॉर्निंग और मॉर्निंग के बज रहे हैं 6:30। मैं 6 बजे करीब उठी थी, हालांकि मुझे उठना आज 5 बजे था क्योंकि मैंने सोचा था कि आज सुबह से मैं मॉर्निंग वॉक शुरू करूंगी। बट हुआ कुछ ऐसा कि कल रात में मैं बहुत लेट सोई, जिसकी वजह से मैं सुबह अलार्म तो बजा बट मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं उठूँ और जाऊँ। बट शायद मैं कल से पक्के से जाऊंगी मॉर्निंग वॉक पे। तो मैं उठ चुकी हूँ और मैंने सोचा था कि आज मैं ब्रेकफास्ट में इडली बनाऊंगी, तो मैंने उसकी प्रिपरेशन कर दी है। तो आज बनेगी ब्रेकफास्ट में इडली और हमें जाना है बाहर। तो हमें थोड़ा सा, मतलब यहाँ पर पास में यहाँ पर सेंट्रल जो है, यहाँ का मेन सिटी का सेंट्रल एरिया है वो बहुत ही खूबसूरत है, वहाँ पर जाना है। इट्स मार्केट प्लेस, हैपनिंग प्लेस है, तो वहाँ जाना है। तो बस हम लोग ब्रेकफास्ट करेंगे एंड आफ्टर दैट हम लोग रेडी होके वहाँ के लिए निकल लेंगे। तो अभिषेक और अभ्युदय गए हैं मॉर्निंग वॉक के लिए और मैं यहाँ पर प्रिपेयर कर रही हूँ ब्रेकफास्ट। तभी मैंने सोचा कि मैं अपनी वीडियो की भी शुरुआत कर देती हूँ और आपके साथ शेयर करूँगी आज पूरे दिन की अपनी जर्नी। तो बने रहिएगा मेरी जर्नी देखने के लिए मेरे साथ और फिर मैं मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर बाद। इडली फ्राई कर रही है, बस मैंने सिर्फ राई और हल्दी का ये तड़का लगाया है क्योंकि यहाँ पर कड़ी पत्ता एक्चुअली होते नहीं है, तो कड़ी पत्ता था नहीं। नहीं तो कड़ी पत्ता भी आप डालिए तो वो बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। और लाल मिर्च मैं अपने बेटे के कारण नहीं डालती हूँ और वैसे भी हम थोड़ी लाल मिर्च कम ही खाते हैं। तो यहाँ पर ये मैंने इडली फ्राई करके रेडी कर दी है। इसके अलावा मैंने एप्पल और बनाना भी कट कर लिए हैं। तो एप्पल और बनाना, इडली और फिर चाय, ये सब कुछ हमारा नाश्ता हो जाएगा और अभ्युदय दूध पी लेगा। आफ्टर दैट फिर हम निकलेंगे क्योंकि हमें मॉर्निंग में जल्दी ही निकलना था, थोड़ा तो अभी लेट हो ही गया है। बट इसके बाद हम निकलेंगे और फिर हम वहां पर जाएंगे, तो क्योंकि टाइम पे पहुंचना भी जरूरी है। बहुत लेट हो जाए तो फिर यहाँ पर हमारी बस का जो टाइमिंग है उसमें हमें काफी लेट हो जाएगी। तो फिर हम लोग यहाँ से ट्रैम से निकलेंगे, इसलिए अभी हम जल्दी जल्दी रेडी होना है हमें। ये मैं अजवाइन वाला पानी हमेशा मॉर्निंग में उठ के पीती हूँ, तो मैं और मेरे हस्बैंड, और आजकल अभ्युदय को भी थोड़ा सा कॉन्स्टिपेशन हो रहा है तो मैं उसको भी मॉर्निंग में ये पानी दे देती हूँ। तो यहाँ पर हमारा पानी रेडी है और ये मैंने फ्रूट्स कट कर लिए हैं खाने के लिए। तो मैंने यहाँ पर एप्पल और बनाना ही। तो यहाँ पर हम लोग अपने ट्रैम का वेट कर रहे हैं, मैं और बेबी हियर। अभ्युदय से हेलो, चल रहा हूँ, यू आर चलिंग। So we are waiting for our tram here and soon we'll get the tram. बहुत ज़्यादा धूप है और बहुत अच्छा मौसम है आज। तो यहाँ पर हम कर रहे थे अपने ट्रैम का वेट और ये खड़ी हुई ट्रैम थी एक, जो कि किसी और, मतलब किसी और प्लेस पे जा रही थी। और मैंने इसका भी रिकॉर्डिंग कर ली कि यहाँ की ट्रैम कैसी दिखती है। और फाइनली हम पहुँच गए थे अपने एरिया में जहाँ हमें जाना था। तो बेसिकली ये सिटी का सेंट्रल मार्केट है और या फिर इसको सेंट्रल स्क्वायर कह सकते हैं। तो ये बेसिकली यूरोप में जितनी भी सिटीज होती हैं उनमें मार्केट ऐसे ही होते हैं। तो बेसिकली ये एक यूरोपियन मार्केट है जिसे हम कह सकते हैं। तो यहाँ पर ट्रैम बीचों बीच चलती है, ट्रैम के लिए बीचों बीच रास्ता होता है रोड में। और इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल प्लेस हम कह सकते हैं। बहुत सनी डे था, सनी डे था और विंड जो थी वो बहुत ठंडी थी। तो मतलब कुल मिला के ऐसा भी नहीं था कि धूप है तो मुझे ठंड लग रही थी, और विंड भी ठंडी थी तो मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा था। मतलब वो ऐसा नहीं लग रहा था कि धूप की वजह से गर्मी लग रही हो। इट्स अ वेरी नाइस प्लेस, काफी अच्छा वेदर था। Prenese se na sve nas ovdje, a i šire. Osmijeh je uvijek besplatan. Uživajte. But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares. See me right there. But if I lay down. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm.
I could feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head, I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test, I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of being the monster. Out of my head, under my bed, thinking something out of my play dead, will you regret everything that you did, that you said? I don't think you understand what you're doing. And my heart's black and blue from the bruising. I feel like when I'm with you I'm losing. I feel like you think that this amusing. Sitting there gaslighting and confusing. Was it me? यहाँ पर भी कई सारी जगह थी जहाँ पर बच्चों के लिए प्ले के लिए थोड़ा सा एरिया था जहाँ पर बच्चे खेल सकते हैं। तो यहाँ पर स्लाइडिंग वगैरह थी, तो अभ्युदय यहाँ पर देखते ही साथ बच्चों को काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गया था। तो उसने कहा मम्मा मुझे भी खेलना है, तो मैंने कहा ठीक है तुम थोड़ी देर खेल लो। तो उसने थोड़ी देर यहाँ पर इंजॉय किया और इसके बाद वो आने के लिए तैयार ही नहीं था कि हम कहीं और जाएं, लेकिन काफी उसको इंसिस्ट करना पड़ा। आफ्टर दैट फिर हम वहां से, तो यहाँ पर हम वॉक कर रहे हैं, काफी ब्यूटीफुल एरिया है। और वॉक करते हुए हम जा रहे थे और हमने सोचा कि हम किसी कैफे में बैठ के थोड़ी देर रेस्ट करेंगे। तो कुछ देर बाद हमें एक कैफे मिला जहाँ पर हमने रेस्ट किया। Thank you.
काफी ज्यादा रश था, तो फाइनली फिर हम एक कैफे में बैठ गए थे और यहाँ पर मैंने कॉफी ली, और अभी तक वो यहाँ पर चिप्स भी ली थी तो मुझे टेस्ट करा रहा था, और वो एक एक छोटी छोटी चिप्स निकाल के दे रहा था, तो मैंने चिप्स टेस्ट की। और इसके बाद फिर हम लोगों ने यहाँ पर कॉफी भी बैठ की क्योंकि बहुत ही टेस्टी कॉफी थी, और अभिदा ने हॉट चॉकलेट लिया, तो यहाँ पर थोड़ी देर हम लोगों ने रेस्ट कर लिया। यहाँ पर मैं और अभिषेक अभिदा की चिप्स में से चिप्स खाए पड़े थे, और अभिदा को लग रहा था कि मेरे सारे चिप्स खत्म हो जाएंगे। तो कहीं भी आप बाहर घूमने जाते हो तो फिर आपको भूख लगने ही लगती है, हालांकि मैंने पैक की हुई थी इडली ताकि रास्ते में अगर हमें कहीं भी भूख लगे तो हम खा लें, क्योंकि मुझे यहाँ का खाना समझ नहीं आता है बाहर का। हालांकि मैंने कॉफी तो ली थी बट उससे पेट कहाँ भरता है, बट हमने हाफ काफी हैवी ब्रेकफास्ट किया हुआ था। फिर अभिषेक ने एक रैप कहा कि तुम रैप खा लो, बट स्टिल मुझे रैप में भी भरोसा नहीं है यहाँ पर, वो कैसा ही टेस्ट का होगा। कुछ दिनों बाद मुझे आदत पड़ जाएगी और मुझे पता चल जाएगा कि कौन से फ्लेवर, कौन से टेस्ट या फिर कौन सा मुझे मंगवाना चाहिए, तो आफ्टर दैट शायद मैं ट्राई करूँ, बट आज के लिए तो मैंने इतना ट्राई करने का रिस्क नहीं लिया। बाद हम काफी थक चुके थे तो मैंने कहा कि चलो पास्ता बना लेती हूँ, अभिदा को भी काफी पसंद है। तो मैंने यहाँ पर क्या किया कि मैंने यहाँ पर प्याज और शिमला मिर्च को कट किया, और यहाँ पर मैं उसको बटर के साथ सौते कर रही हूँ। मैंने एक बिग साइज का टमाटर लिया था, उसे मैंने पील कर लिया था, मतलब उसे बॉईल किया था, देन उसमें कट्स लगा के मैंने बॉईल किया था, तो पील करने में काफी आसानी थी, तो मैंने इसको पील कर लिया था। इसके बाद उसको मैंने चॉपर में डालकर उसकी फाइन सी बिल्कुल उसको फाइन सा एक पेस्ट तैयार कर लिया था जो कि मुझे पास्ता के सॉस के लिए चाहिए था। तो मैंने यहाँ पर टमाटर को पील कर लिया है, पील करने के बाद मैं इसको फाइन बड़े बड़े टुकड़ों में काट लूंगी और इसके बाद इसको फाइनली चॉप कर दूंगी। टमाटो प्यूरी को बन चुकी है रेडी, और ऐसे करने में तो काफी इजी रहता है, मुझे मिक्सर ग्राइंडर की जरूरत नहीं पड़ती है, और ऑलरेडी टमाटो पके हुए होते हैं तो फिर उनको ज्यादा प्रॉब्लम भी नहीं होती है उनको मैश करने में। तो यहाँ पर मेरा प्याज और शिमला मिर्च थोड़े से सौते हो गए हैं, इसके बाद में इनमें मिक्स कर दूंगी टोमेटो प्यूरी, और इसके बाद में इसमें डालूंगी टोमेटो सॉस। अच्छा, प्यूरी डालने के बाद मैंने इसको थोड़ी देर के लिए ढक दिया था ताकि ये इसमें बिल्कुल अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। इसका सॉस बनाना मुझे इस तरीके से बहुत पसंद है, थोड़ा इंडियन टच देते हुए। इसके बाद मैंने इसके लिए ग्रेवी मसाले तैयार किए थे, इसमें लाल मिर्च, चाट मसाला, और थोड़ा सा मैंने इसमें आमचूर पाउडर डाला था, थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर डाला था, और यही सारी चीज़ें मैंने मिक्स की थी। इसके लिए ऑरिगेनो पाउडर डाला था थोड़ा सा, और यही सारी चीज़ें मैंने इसके अंदर डाल दी थी। और इससे पहले मैंने टोमेटो केचप ऐड किया था, तो टोमेटो केचप ऐड करने के बाद मैंने थोड़ा सा नमक ऐड किया था, और मसाला डालने के बाद ये पास्ता हो गया था मेरा रेडी। और ये अभिदा को मैंने सबसे पहले सर्व किया था और काफ़ी गर्म था तो उसे थोड़ा
खाने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, बट पास्ता बना बहुत ही ज्यादा टेस्टी था। एक दिन की क्लिप मुझे आपके साथ और शेयर करनी है। ये पास्ता खाने के बाद अभिता तो बिल्कुल मस्ती में हो गया था, इसके बाद उसने फुटबॉल खेलने गया था, वो इतना थकने के बाद भी। अच्छा, एक दिन पहले की क्लिप है मेरे पास, जहाँ पर हम लोग गए थे, यहाँ पर एक फन फेयर टाइप का लगा हुआ था जहाँ पर झूले थे बेसिकली, तो हम वहाँ पर गए थे अभिता को लेकर। वहाँ पर बहुत ही मज़ा आया था अभिता को, उसने कार राइड की थी और वहाँ पर कई सारे उसके लिए राइड्स थी जो उसने की थी। तो बेसिकली एक फन फेयर था तो जिसकी मैंने क्लिप्स ली हुई हैं, और ये पहले थे, मतलब आज सैटरडे है और मैं एक दो तो दिन पहले यहाँ पर गई हुई थी, तो मेरे पास क्लिप्स थी, तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूँ कि यहाँ पर कैसा रहता है। तो बस छोटा सा पार्क था, वहाँ पर ही लगा हुआ था झूले वगैरह, और इस दिन काफ़ी ठंड थी तो अभी मैंने स्वेट शर्ट पहनी हुई है, और यहाँ पर मैं स्वेटर पहन के या जैकेट लेके नहीं गई थी, तो मेरी हालत ख़राब हो रही थी। काफ़ी विंडी हो जाता है और विंडी होने की वजह से काफ़ी ठंड सी लगने लगती है। तो यहाँ पर हम लोग आए थे और ये बहुत ही नज़दीक था हमारे घर से ये पार्क, तो यहाँ पर अभिता ने राइड्स ली थी पापा के साथ, उसने कार वाली ली थी क्योंकि उसके लिए फर्स्ट टाइम था ये, तो हम उसे ऐसे अकेले नहीं करने दे सकते थे, तो यहाँ पर वो और उसके पापा साथ में बैठ के कर रहे थे, पापा उसे असिस्ट कर रहे थे राइड लेने में, और यहाँ पर उसने खूब ही मस्ती की थी अपने पापा के साथ। लौटते समय का नज़ारा जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, तो हमेशा मैं क्लिप्स ले लेती हूँ। यहाँ अभिता और उसके पापा वॉक करते हुए जा रहे हैं, और ये एरिया हमारे घर से बहुत पास है, और ये बेसिकली उसके फुटबॉल ग्राउंड जहाँ पर वो फुटबॉल खेलने जाता है उससे तो काफी ही नजदीक है। तो फिर वापस हम घर जाने के बाद हमने रेस्ट किया, और हाँ, जिस दिन हम वहाँ से स्क्वायर से लौट के आए, मतलब कि वो आज का ही दिन है जब मैं ये वीडियो एडिट कर रही हूँ बैठ के, तो आने के बाद फिर हम ना हमने पास्ता वगैरह खाया, इसके बाद फिर हम अभी तक फुटबॉल खेलने गए, एंड आफ्टर दैट तो मैं बहुत थक गई हूँ, तो मुझे लगता है कि अब तो मैं इस वीडियो को एडिट करने के बाद रेस्ट ही करूँगी। और चलिए आप मुझे बताइएगा आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक माय वीडियोस एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। ओके, बाय बाय।